कुत्ते किस्म के धुलवाते हैं, हमारे जैसे तो तुरंत इस्तीफा देता है। वो ईवीएम के वजह से जीतते हैं, जहां मर्जी वहां रेप हुआ, टुकड़े टुकड़े में बट गए, यही बेटी बचाओ था। देखिए मुद्दे हमारे दलित एससी एसटी ओबीसी बायरेटी, ठीक है, मुद्दे हमारे पूरे बहुजनों पे हैं। और बहुजनों पे यदि बात रखें तो ये है कि हमें इंसानियत से जीने नहीं दिया जा रहा है, हमें इस देश में इंसानियत से जीने नहीं दिया जा रहा है। हमें इंसानियत से जीने का मौका चाहिए कि हम इंसान के तरह जी सकें, हम जानवर के तरह जीना नहीं चाहते। जिस तरह बहन बेटियों का रेप हत्या बलात्कार चरम सीमा पर चल रहा है, उस तरीका का हम नहीं चाहते कि उस तरीका का हो। हमारी बहन बेटियों को रोड पे उठा करके नंगे फेंक दिया जाता है, उसके बाद से उसके घर वालों को लाश नहीं मिलती, जीभ काट दिया जाता है उसको, मतलब डेड बॉडी नहीं सौंपी जा रही है। ये क्या है? ये देश के दस्तूर में नहीं था, ये बाबा साहब नहीं लिखे थे इस तरह का अत्याचार करने का। तो हम इस तरीका का चाहते हैं कि हम अमन चैन की जिंदगी को जीना चाहते हैं। देखिए पैर धुल रहे हैं तो वो उनका धुल रहे हैं जो कुत्ते किस्म के हैं, कुत्ते किस्म के धुलवाते हैं, हमारे जैसे तो तुरंत इस्तीफा देता। उसकी बात करें तो जो पैर धुलने की बात कर रहा है वो क्यों नहीं? अत्याचार तो एकदम डेली है, आप देख रहे हैं, मीडिया तो और भी देख रही है, खूब खुलासा देखती है, लेकिन ये है कि मीडिया मुंह बंद करिए। प्रधानमंत्री की तारीफ लोग करते हैं ना, मैं नहीं करती हूँ। मैं शबनम सिंह हूँ, मैं अपना परिचय नहीं बताई, मैं शबनम सिंह, गीता उर्फ शबनम सिंह, मैंने बदली हूँ नाम को अपने, क्योंकि इनके इसी जाति और व्यवस्था से जब तक जाति रहेगी तब तक ये मतलब अत्याचार होता रहेगा। मेरे समझ से ये जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, केवल सिर्फ इंसान और इंसानियत को मानना चाहिए। हमारे समझ से ये नहीं है कि इसको मतलब जब मर्जी जहां उठा के फेंक दो, जाति के नाम पे जुल्म कर दो, उसको मतलब दलित एससी एसटी ओबीसी की बहन बेटियों को मतलब मत समझो, तो ये क्या है? अत्याचार है। हम नहीं जानते प्रधानमंत्री मतलब क्या कह रहे हैं उसको, नहीं, हम अपनी बात रखना चाहते हैं। हम इस देश में हमारे बाबा साहब बात रखने के लिए कह गए थे कि अपनी बात को रखने से पीछे मत हटना। और मतलब हमारी माताएं बहनें क्या कर रही हैं कि वो धर्म स्थलों पर जो जाने को बंद किए थे वो बंदे नहीं करती हैं, तीज त्यौहार मनाना नहीं बंद करेंगी, वो कहेंगी कि वो तो काली माई की दुर्गा माई की वजह से हमारी बेटे की नौकरी लगी है। तो अरे नहीं, हाँ उनकी आस्था है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि काली माया दुर्गा माँ देती तो अभी कोरोना काल में क्यों नहीं काली माई दुर्गा माई कोरोना काल को खत्म किए? वोट उनको हमारे लोग नहीं दे रहे हैं, दलित एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, इतने लोगों को तो मैं खूब खुलासा जान चुकी हूं। और मैं बिजनौर में चाहे काफ़ी जगह मेरे मतलब 16 राज्यों में भ्रमण हो चुका है कि मैं जानती हूं कि इतने वोट नहीं पड़ रहा है। जहां 800 पोलिंग हो रहा है वहां 2000 निकल रहा है, जहां 2000 गिरा है वहां 4000 निकल रहा है, ऐसा नहीं है। वो ईवीएम की वजह से जीतते हैं, ईवीएम है उनका। आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी जिनके पैर धो रहे हैं, हाँ, या फिर ऐसे किस्म के लोग कुत्ता किस्म के हैं। प्रधानमंत्री जी दर्जा दे रहे हैं दलितों को, राष्ट्रपति बने थे, हाँ, राष्ट्रपति को रामनाथ कोविंद जी दलित पुरुष से आते थे, हाँ, तो रामनाथ कोविंद को आपने देखा जब उनको मतलब मंदिर में घुसने ही नहीं दिया गया, वो जाकर के जीना पे बैठे हैं, काहे को आपने राष्ट्रपति का, उसी तो मैंने बोले हूँ कि इस्तीफा दे देना चाहिए ऐसे रामनाथ कोविंद को, हराम है ऐसे मतलब राष्ट्रपति को झुक करके पैर छुए। अब तो उन्होंने तो बयान दिया है, अच्छा बयान दिया है, हाँ। राष्ट्रपति जो मुर्मू है ना, यही नाम है ना उनका, हाँ, द्रौपदी मुर्मू जो भी है मतलब, लेकिन उनको मैंने लाख लाख मतलब सलाम करती हूँ कि उन्होंने एक ही बात बोला है कि जो अत्याचार हो रहा है वो बंद होना चाहिए, जो मतलब जेल के सलाखों में दिया जा रहा है और जबरदस्ती भेज दिया जा रहा है 20 साल को लगा करके किसी की जिंदगी को, झूठे अफवाह, 20 साल के बाद बताया जा रहा है कि वो मतलब झूठी केस है, उसके बाद उसकी जिंदगी कौन देगा? लेकिन वही द्रौपदी मुर्मू ने एक बयान ये भी दिया था कि उन्होंने कहा कि जनता जो जिसका नमक खा रही है उसको अदा करना चाहिए, हाँ, इसमें भी बयान दिया था, हाँ। तो ये बयान तो मतलब सुनिए, बवाल भी हुआ था, अदा करना चाहिए, किस बात पे अदा करना चाहिए? सही पे अदा करना चाहिए, झूठ पे अदा करना चाहिए, सच्चाई पे अदा करना चाहिए। मैं भी कह रही हूँ कि सच्चाई का साथ देना चाहिए, झूठ का साथ नहीं देंगे। मेरा तो गला भी कटते रहे, मैं झूठ का साथ दूंगी ही नहीं। लाख खामियां हैं,
लाखों, क्योंकि यदि हमारा समाज सही रहता, दलित एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी यदि ये सही रहता तो हम लोग इस टुकड़े टुकड़े में बंटे ना होते। टुकड़े टुकड़े में बंटे नहीं होते भाई, यदि टुकड़े टुकड़े में नहीं बंटते तो कुत्तों की हालात नहीं होती, और कुत्तों से भी बदतर जिंदगी जीने को हमारा या मुस्लिम भाइयों का। अरे सब कह रहे हैं ना, एक हो कहाँ रहे हैं, कहते हैं चले जाते हैं, इधर आते इधर चले गए, यहाँ बोले वहाँ चले गए, सबका साथ सबका विकास कह रहे हैं। उन्होंने तो कहा कि मतलब बेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ बेटियाँ बचाई, जहाँ मर्जी वहाँ उठा करके बलात्कार हुआ, जहाँ मर्जी वहाँ रेप हुआ, टुकड़े टुकड़े में बट गए, यही बेटी बचाओ था। रात में मतलब लाशों का गमन कर दिया गया, यही उनका मतलब था। नहीं अच्छा, आप कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आखिर ऐसे नारे की जरूरत क्यों पड़ी कि बेटी को बचाना पड़ रहा है और बेटी को पढ़ाना पड़ रहा है, नारे की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि इनके जैसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए, और हमारे यदि भाइयों नहीं सिखा पाए तो महिलाओं से कोई उलझ के ना देखेगा। और देखे, मैं ही एक महिला हूँ जो गीता पर से नाम बदली हूँ, तो मैं आपको ट्रॉफिक चेंज करके थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि मैं जब देश की दस्तूर 9 अगस्त 2018 को जलाई गई थी इसी जंत्र मंत्र पे, तो सरकार के नाक के नीचे की घटना थी, उसमें कोई नहीं कुछ बोला, सारे अम्बेडकरवादी थे। एक मिनट मेरा जवाब सुन लीजिए, उसके बाद मतलब सारे लोग मतलब उस पर कोई नहीं, सांस बंद हो गई सारे अम्बेडकरवादियों की। उसके बाद मैं अम्बेडकर समाज पार्टी से राष्ट्रीय महासचिव हूँ, मैं बलिया में मतलब प्रोग्राम करा के यहीं से गई थी, और वहाँ पे मैंने एक हफ्ते मतलब पूरे अपने क्षेत्रों का दौरा करके मैं बोली कि देखिए इनका जवाब तो देना पड़ेगा, और जवाब इस तरह का नहीं, जिस तरीका का दिया है उसी तरीका का देंगे। तो हम भी इकट्ठा कर लिए लोगों को, और इनका गीता रामायण वेद पुराण भागवत मैंने सारा इकट्ठा करके और 3-4 किलोमीटर के दायरे में मैंने घुमवाई, और खूब नारेबाजी जिसने इनने की करवाई थी मैं भी करवाई, और वहीं आग लगवा दी। तुम्हारे गीता रामायण से नहीं है, हम उस संविधान से हैं कि जो हमारे बाप के बाप ने इस देश की दस्तूर के सामने कर हमें गिरफ्तार करो, हमने कहे हमें गिरफ्तार करो, यदि हम गलत हैं मुझे जेल के सलाखे में डाल दो, यहाँ नहीं कहीं भेजो। लेकिन हमने उस समय भी डीजीपी उसको डीएसपी को मैंने थप्पड़ मारी थी, उन्होंने कहा था तुमने चमारी नेता बनने चल रही हो, मैंने वो थप्पड़ खींच के दिया था, उनको याद रहेगा। मैं कहे कि यदि मैं आती और यदि आ गई कभी भी सरकार में कानून का बवाल होता ना, मुझे जाला वो डाल देता। लेकिन सिर्फ किसका हुआ कि बस पुलिस प्रशासन का हुआ, और वही थोड़ा सा हो करके, क्योंकि ये से हिंदुओं का भावना आहत हुई होती तो मुझे जेल में डाल देते, तो मुझे तड़ातड़ मतलब केस होती। उसने बोला कि तुमने जाति चमारी जाति से तुम हो, तुम नेता बनने जा रही हो, मैंने 1000 धारा लगाओ, लेकिन गाली मत देना जाति के ऊपर, मुझे गाली से नफरत है। और इसलिए हो रही है कि उसमें शाहरुख खान है, ठीक है, और उसमें दूसरा होता तो भावना आहत नहीं होती इनकी, क्योंकि भागवा रंग से तो इनका हर चीज रंगा हुआ है, भागवा रंग तो इनको चाहिए ही, ये भागवा रंग तो है हर जगह इनका, जैसे ही आए तुरंत भागवा रंग से रंगवा दिए। धर्मों के इनके रंग हैं, वो धर्मों का रंग नहीं है, इनके रंग हैं। ये देखिए हिजाब के भी विरोध इनका करना इसलिए था कि ये देखिए हमारी बेटी बहनों को उस नजरों से देखते हैं कि इनको नंगा देखना चाहिए, तो नंगा अपनी बहन को देखो ना, तुम्हारी बहन दीपिका दिखा रही है, देखो तुम उसको। लेकिन हमारा भाई यदि कोई किसी को देख लिया तो बुरा हो गया, मेरा भाई देखा तो बुरा हो गया, क्योंकि हम भी तुमने माँ के दूध का मतलब सीने का दूध तुम्हारी माँ नहीं पिलाई, लेकिन मेरी माँ सीने की मेरे भाई बेटों को पिलाई है, और वो जवाब तुमको मिल रहा है और मिलता रहेगा, और मेरे जैसे बहन तो आएगी तो जवाब देगी।